हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देख लेंगे गाइस, अगर आपका कोई काम डिले हो रहा है, कोई चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, या आपका कोई शादी वगैरह नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आज की हम रीडिंग देख लेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए ये रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, रेजोनेट करेगी। तो चलिए बिना देर के हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम एनर्जी देख लेंगे गाइस। आप चेक कर लीजिए अगर आपके साथ में आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। हम रिसेंट एनर्जी चेक करेंगे, जो रिसेंट पास्ट की हो सकती है आपके, या फिर अभी जो आपकी लाइफ में हो रहा है उससे भी रिलेटेड ये एनर्जी आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले आप एनर्जी चेक कर लीजिए, अगर रेजोनेट हो रही है आपकी एनर्जी के साथ में तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप ये रीडिंग स्किप भी कर सकते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू वैल्यू, स्ट्रेटेजी। सो रिसेंट पास्ट में मुझे तो ऐसा लग रहा है ना गाइस कि जो आपका बुरा टाइम था, काफ़ी ज़्यादा बुरे टाइम से आप निकल चुके हैं। आप ओवर इमोशनल आप हो रहे थे। आपको कई लोगों को मुझे यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू, मतलब कफ से रिलेटेड इशू, टॉन्सिल्स के आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, आई डोंट नो उस एक बीमारी को क्या कहते हैं, जो आपके लंग्स में काफ़ी ज़्यादा म्यूकस हो जाता है, कफिंग हो जाती है ना, लंग्स आपके स्वेल हो जाते हैं, उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा डील करना पड़ा है रिसेंट पास्ट में। सर्दी ज़ुकाम आपको रिसेंट पास्ट में हुई है। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आपने इमोशनल होना छोड़ दिया है। कुछ टाइम पहले आप ओवर इमोशनल थे, और ओवर इमोशनल के चलते आपको हो सकता है कुछ तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो चीज़ें आपने छोड़ दी है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी हॉबीज़ पर, अपने लिए, आप अपने लिए अच्छा और क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर की, कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, फाइनेंशियली आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए आप मुझे फ्यूचर में यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाते हुए दिखाई दे रहे, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्लानिंग आपकी कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप इमीडिएटली कोई यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हैं कि आपको इमीडिएटली कोई जॉब ज्वाइन करना है या बिजनेस ज्वाइन करना है, आप अभी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इन चीज़ों से निकल गए, ओवर इमोशनल चीज़ों से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गए, बहुत अच्छे से आपने डील किया। कभी कभी होता है कुछ ऐसे ग्रह हमारे कुंडली में आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बट आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों का सामना किया है और आप अभी इस स्टेज पर हैं। चलिए देख लेते हैं आगे की रीडिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर गाइस आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए अपने फाइनेंस को लेकर, और एक ऐसा बड़ा डिसीज़न आप अपने हाथ में लेने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको एक बहुत अच्छी अथॉरिटी यहाँ पे मिल रही है, या फिर आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रमोशन मिल रहा है, ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, फैमिली में भी आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, लोगों को आपका सही चेहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक और हो सकता है
कि अगर मेरी बहनें ये रीडिंग देख रही है, अगर कोई कोई लेडीज़ है, मैरिड लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, जिनके लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी द्वारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर की गई थी, नॉट रिसेंट पास्ट, ये आप इसे आप कंसिडर कर सकते 6 महीना पहले का जो टाइम था, आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई थी थर्ड पार्टी के द्वारा, जिसमें सब लोग आपको बहुत गलत समझ रहे थे। ये सारी चीज़ें अब क्लैरिटी आपके फैमिली के सामने में आ रही है। आप क्या हो, आप फैमिली के लिए हमेशा अच्छा चाहते हो, ये सारी चीज़ें अब आपकी फैमिली को समझ में आ रही है। तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके फैमिली के सामने में आई है। काफ़ी ज़्यादा गुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सेंस आपके घर का अब हर कोई बड़ा डिसीज़न आपसे पूछ के लिया जाने लगेगा। एक क्लैरिटी आपके पास में है और अपनी क्लैरिटी के साथ में आप दूसरों को भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप दूसरों को भी दिखा रहे हैं, जो चीज़ें अभी तक हिडन थी, जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी, वो चीज़ें अब आप लोगों को बता रहे हैं। और अगर शायद आप बाय एक्शन भी उनको नहीं बता रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने क्या किया है और किस तरीके से आप उनके द्वारा सफ़र हुई थी। तो ये मेरी बहनों के लिए स्पेशली, बाकी लोगों के लिए एक अच्छा ऑफ़र भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल है तो एक बहुत अच्छा वेल सेटल्ड एक ऑफ़र आपके पास में आ रहा है। अगर आप शादी की एज में हैं, बहुत अच्छा ऑफ़र आ रहा है, वेल सेटल्ड हो गए आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा प्यार भी आपसे करेंगे और काफ़ी अच्छे डेजिग्नेशन में होंगे। जो भी आपके पार्टनर होंगे काफ़ी अच्छे डेजिग्नेशन में होंगे। अगर जॉब करते हैं तो जैसे मैनेजरियल लेवल पे होंगे, मिड मैनेजमेंट में होंगे। अगर उनका बिजनेस है तो उनका बिजनेस जो रहेगा वो काफ़ी किंग रहेंगे मार्केट के, इस टाइप का उनका बिजनेस रहेगा। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको अभी रिसेंट पास्ट से लेकर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है और लोग आपको बहुत अच्छे से समझने भी अब लगे हैं। देख लेते हैं अब आने वाले टाइम में क्या गुड मैसेजेस है आपके लिए। चॉइसेस तो आपके पास में आ रही है गाइस। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या शादी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास में चॉइसेस आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक 3 of Cups। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, आपको चॉइसेस आ रही है। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास में ज़्यादा चॉइसेस, आपको 3 से ज़्यादा चॉइसेस मिलेगी, तो बहुत सोच समझ कर ये जो चॉइसेस है, आपके जॉब में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में भी लग रहा है, तो बहुत सोच समझ के आप अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी चॉइस होगी, बहुत सोच समझ के कीजिए। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि बाद में आप पछता सकते हैं कोई बहुत अच्छा ऑफ़र छोड़ के, इसलिए सोच समझ कर आप जो भी डिसीज़न लेना है वो सोच समझ कर आप लीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। मी टाइम आप इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप मी टाइम अपना इंजॉय कर रहे हैं, सब लोगों से दूर, आप मोबाइल फ़ोन से भी दूर हैं एंड कहीं पर अकेले में टाइम स्पेंड आप फ्यूचर में करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, आप थोड़ा सा अपने पास्ट को लेकर सोचेंगे, पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी मुझे यहाँ पर दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बैकस्टैप किया है, एक बार ज़रूर आप उनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें क्रॉस करके अब आप एक 3 of Cups की एनर्जी में पहुंच गए। एक बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाले टाइम में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि बीती हुई बातों को भी आप याद करें कि किस तरीके से आप उस बुरे टाइम से निकले हुए हो। लेकिन इसी के साथ साथ आप भगवान को थैंक यू भी बोलेंगे, ऊपर वाले को, कि उन्होंने आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग भेजे थे जो थोड़े ट्रस्टवर्दी थे, जिन्होंने आपको उस डिप्रेशन से निकाले हैं।
बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे घर पर हो या आपके जॉब या बिजनेस में हो, वो सारा काम, वो सारा हार्डवर्क वो आपके रिश्तेदारों को भी दिख रहा है, आपके पार्टनर को भी दिख रहा है। और ये जो हार्डवर्क है, ये आपका एक ऐसा बीज आप बो रहे हैं कर्म का, जो आपको सही समय पर, आपको उस टाइम पे इन सब चीज़ों का फल मिलेगा जब आप अपनी हिम्मत हार चुके होगे। तो ये हार्डवर्क का फल आपको, आप ये समझ लीजिए कि अब बस पेड़ आ गया है, आपने जो मेहनत किए थे उसका फल आपको मिलेगा सही टाइम पे। ये टाइम 2 से 3 साल का हो सकता है, लेकिन 2 से 3 साल का समय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आई है। सन का कार्ड आपका आया था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सन का कार्ड है, तो क्लैरिटी एनीवे आपकी लाइफ में आई हुई है। लोगों को भी आपकी ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई दे रही है। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हम आपके लिए देख लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। बैलेंस, हाँ जी, बैलेंस तो आ ही रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए बैलेंस का कार्ड आया है, बैलेंस करके है सिग्नल्स को। आपके वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है। खुद की केयर करने की यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। अपने बॉडी पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, जैसे आपके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आपको कुछ बहुत अच्छी लेसन वो देना चाहेंगे, तो आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लाइफ लेसन्स होंगे। जो बुज़ुर्ग आपके लाइफ में आएंगे, आपको कुछ लाइफ लेसन्स देंगे, बहुत ध्यान से आप उन्हें सुनिए। आपको उनकी बातों के द्वारा एक बहुत बड़ा रास्ता आपके इनकम का, मतलब आपके लग्जरी लाइफ का खुलेगा, तो उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। और कोई एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी देख लेते हैं। खुद का ध्यान रखिए गाइस, आपकी आने वाले कुछ टाइम में ना थोड़ी सी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए। यहाँ पर यही एक मैसेज आ रहा है कि गर्म पानी आप पीजिए। डिस्पेयर पाथवे, वेल्दी मैन। सो कुछ ऐसा हुआ था आपके लाइफ में रिसेंट पास्ट में, या फिर अभी, या रिसेंट पास्ट में ही, कि आपने ना, आपको ना लोगों ने कॉर्नर कर दिया था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। हालांकि कॉर्नर करने वाली कोई बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी आपको, लेकिन वो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिली हुई है। उन चीज़ों से आपको समझ में आया है अब आपको किसको इम्पोर्टेंस देना है और किसको नहीं देना है। और क्योंकि इस एनर्जी से आप आए हैं, इस एनर्जी में, तो इस एनर्जी से अब आ जाएंगे इस एनर्जी में। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, अब आप किसी के पास जाएंगे नहीं अपनी ज़रूरतों के लिए, उल्टा लोग अब आपके पास में आएंगे। आप इतने वाइज हो चुके हैं, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब आप किसी के भी पास में जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो वेल मैच्योर्ड आप पर्सन मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग गाइस, और जो भी काम आपका जो रुका हुआ है, वो मुझे अब, जब से आप ये रीडिंग देखेंगे ना, तब से आपका कोई भी काम अगर रुका हुआ है तो वो काम शुरू हो जाएगा आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।